नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने सिक्किम में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। राज्य के निवर्तमान सदन में उसके 12 सदस्य थे। सिक्किम विधानसभा के नतीजे रविवार को घोषित किए गए, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। इस नतीजे के बाद लोग कह रहे हैं कि एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की लहर की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर सिक्किम में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर दिल्ली में जुटेंगे। गठबंधन के सभी दलों के नेताओं से कल देर शाम या परसों सुबह तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि सभी दल बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर सीटों की संख्या उम्मीद और आकलन के मुताबिक नहीं आती है तो प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति से मुलाकात सहित अन्य विकल्पों पर चर्चा की जाएगी, जहां चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं। एग्जिट पोल में गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा जो बीजेपी के नेताओं ने बोला, बिल्कुल वही एग्जिट पोल में बोला है। पटवारी ने कहा कि एग्जिट पोल की भी अलग अलग कहानी है। जहां 4 सीट है वहां एग्जिट पोल में 6 सीटें दे दी गई। जहां पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है वहां एग्जिट पोल ने 6 सीटें दिखा दी। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य का चुनाव है, जिसमें अरबों खरबों खर्च होते हैं। ऐसे में एग्जिट पोल में जिस तरह की विसंगतियां सामने आई हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात हुई, इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आयोग के सामने उठाए गए पोस्टल बैलेट समेत सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली ऐसी है कि यह चुनाव के बाद जांच की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके आधे घंटे बाद ही हम EVM की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के खिलाफ लापता जेंटलमैन के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोग कभी बाहर नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रेस नोटों के माध्यम से संवाद का तरीका चुना, जिनमें से 100 से अधिक प्रेस नोट मतदान के दौरान जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कर्मचारियों की तारीफ करते हुए राजीव कुमार ने कहा, नेगेटिव नैरेटिव जब बनते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। बता दें, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिला अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। इस बारे में राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना से पहले बताना चाहिए कि किन DM पर असर डाला गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफवाह फैला दें। कई राजनीतिक दलों ने हमसे मांग की, हमने वो मांग मान ली, कुछ पहले से हमारे नियम वाली पुस्तिका में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बात का संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मतगणना के दौरान BJP किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है। उन्होंने मतगणना में धांधली किए जाने की आशंका जताई है। BJP पर आरोप लगाते हुए सपा नेता ने कहा कि इसके लिए मतगणना धीमी करवा कर रात में बत्ती गुल करवाई जा सकती है। उन्होंने एग्जिट पोल में जुटे लोगों का BJP से संबंध होने और मतगणना से पहले एक माहौल तैयार करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने वोटिंग के बाद काफी ज्यादा बड़े मतदान प्रतिशत को लेकर संदेह जताया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। NDA की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से पूरी तरह विपरीत होंगे। बता दें, एक दिन पहले रविवार को ही राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया था और एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल्स में BJP की जीत के अनुमान पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने BJP के बारे में कहा कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दिग्विजय BJP के बहुमत का आंकड़ा पार करने के अनुमान पर बोले, अगर 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो EVM का वोट है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज यानी CSDS लोकनीति ने अपने सर्वे में BJP को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलने की बात कही। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनावों में BJP का वोट शेयर 40% हो सकता है। कांग्रेस का वोट शेयर इस सर्वे में 23% बताया जा रहा है।
सीएसजीएस ने बताया कि सर्वे चुनाव बाद करीब 20,000 लोगों के घर पर जाकर किया गया है। इस सर्वे को करने का तरीका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग बताया गया है। सीएसजीएस ने अपने सर्वे में कहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारत में सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने दावा किया है कि ये मोदी का एग्जिट पोल है और धांधली से प्रेरित है। आपको बता दें कि हमेशा एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं। बंगाल चुनाव का उदाहरण तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। जैसे 2020 में एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। बिहार में 139 से 161 सीटों के साथ चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था। असल में नतीजे में एनडीए को बहुमत मिल गया और महागठबंधन सिर्फ 110 सीटों पर सिमट गया। अपनी परफेक्शन के लिए मशहूर एग्जिट पोल एजेंसियों में से एक एक्सिस माई इंडिया ने एक बयान जारी कर जनता का मूड भांपने में अपनी गलती स्वीकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2023 का चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के अन्य उदाहरण हैं जहां एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन एक उदाहरण जिसे अक्सर बोला जाता है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2024 में 2004 रिपीट होगा। 2004 के एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला एनडीए 240 से 275 सीटों की आरामदायक जीत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही घोटाला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में नागपुर की एक जिला अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल को 14 साल का सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने उन पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब तक के सुर्खों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।